हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल जैन। आज मैं आपसे 15 मजेदार पहेलियां पूछूंगा, उनके जवाब भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पूरब से पश्चिम की तरफ हवा बह रही है, ऐसे में एक पेड़ से मूंगफली टूटकर गिरती है, तो बताइए पेड़ से गिरी हुई मूंगफली किस दिशा में उड़कर जाएगी? सही जवाब है, मूंगफली किसी दिशा में नहीं जाएगी क्योंकि ये पेड़ पर नहीं उगते। दूसरा सवाल है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? सही जवाब है, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला सवाल है, भारत का बिस्मार्क किस नेता को कहा जाता है? सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड डोनेट तो कर सकता है लेकिन जरूरत पड़ने पर सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है? सिंपल सवाल है। सही जवाब है, ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाला। पांचवा सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब है, शिप्रा। छठा सवाल है, पंजाब केसरी किसे खा जाता है? सही जवाब है, लाला लाजपत राय को। सातवां सवाल है, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सही जवाब है, सोडियम को। आठवां सवाल है, भारत में थोरियम सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? सही जवाब है, राजस्थान में। अगला सवाल है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो अगर ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दसवां सवाल देख लेते हैं, यदि एक लाल रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंकते हैं तो क्या होगा? सही जवाब है, पत्थर गीला होकर डूब जाएगा। आपने क्या सोचा था कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है, 1960 में। बारहवां सवाल है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल सवाल है। सही जवाब है, मुंबई में। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तेरहवां सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है, 12 नवंबर को। अगला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, कौन सा पक्षी बारिश का ही पानी पीता है? आपके 10 सेकंड है सोचने के लिए। सही जवाब है, चातक। यह एक ऐसा पक्षी है जो बारिश का ही पानी पीता है। पंद्रह और आखिरी सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी कर ली थी? आराम से सोचिए, आपके पास 10 सेकंड है सोचने के लिए। सही जवाब है, ओडिपुस राजा ने, जिसने अंधविश्वास में फंसकर अपनी ही माँ से शादी कर ली थी। कितने लोगों को जवाब पता था कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वाला सवाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।